हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अमृति मैथ्स क्लासेस। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। अगर आपने मेरी इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी 8.3 की, तो आप उसको आई बटन पर प्रेस करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8 चैप्टर का लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहां पे भी इसको इजिली देख सकते हैं। बेसिकली 8.3 में था क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या है, ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम ये वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा होता है। इसी तरह से हम चेंज कर सकते हैं टेन को कॉट में एंड कॉट को टेन में, एंड हम चेंज कर सकते हैं सीकेंड को कोसीकेंड में एंड कोसीकेंड को सीकेंड में। अब यहां जो क्वेश्चन हमारा है, सीकेंड 4a इज इक्वल टू कोसीकेंड a माइनस 20 डिग्री, मीन्स आपको ये दो सीकेंट और कोसीकेंट में रिलेशन गिवन है। आगे गिवन है वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड एंगल a। आपको a फाइंड आउट करना है, यानी कि sec cos, ये sec cosec वगैरह आना नहीं चाहिए। अब ये कब नहीं आएगा, अगर मैं दोनों की सेम वैल्यू लिया, या तो सीकेंट को कोसीकेंट में चेंज कर दूं या कोसीकेंट को सीकेंट में। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कोसीकेंट थीटा। और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, अगर कोसीकेंट से सीकेंट में जाए तो कोसीकेंट 90 माइनस थीटा हमारा होता है सीकेंट थीटा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, क्योंकि सीकेंट थीटा गिवन है, मैं इसे कोसीकेंट ऑफ समथिंग में चेंज कर रही हूं। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको मैं लिख सकती हूं, कोसीकेंट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 4a, इज इक्वल टू यहां पे था कोसीकेंट a माइनस 20 डिग्री। कोसीकेंट ऑफ समथिंग इज इक्वल टू कोसीकेंट ऑफ समथिंग, यानी कि जो एंगल के अंदर यहां वैल्यू आएगी और यहां वैल्यू आएगी वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी तो कोसेक ऑफ समथिंग इज इक्वल टू, ये दोनों सेम आएंगे, ये दोनों सेम होंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब क्या कर रही हूं, माइनस 20 को उधर ले आती हूं, तो 90 प्लस 20 डिग्री हो जाएगा, a माइनस का 4 इधर आके हो जाएगा प्लस का 4a, 90 प्लस 20 होता है 70 डिग्री, एंड a प्लस 4a होता है 5a, a मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो 70 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगी a की वैल्यू। डिवाइड करो कितना आता है, 5 वन जा 5, 2 रिमाइंडर 5, 4 जा 20, देयर फोर ए की वैल्यू आ गई आपके पास 14 डिग्री। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, शो दैट साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाय 2। क्या क्या चीज गिवन है ध्यान देना, एक आपको गिवन है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल के तीन एंगल गिवन है, तो कुछ तो यूज होने वाला है इसका। अब ट्राइंगल के तीन एंगल आपको पता है, उनका क्या रिलेशन आप जानते हो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप जानते हो, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जो बी प्लस सी है मुझे ए में लेके जाना है, हमें ये शो करना है ना, साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाय 2। बी प्लस सी खत्म करके मुझे ए में पहुंचना है, यानी कि अगर मैं ये कंसिडर करूंगी यहां पे आना है, तो क्यों ना मैं, हम पहले कंसिडर कर लेते हैं साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन में 2। बी प्लस सी की वैल्यू ए के टर्म्स में मैं यहीं से ना निकाल लूं, तो एंगल बी प्लस सी की वैल्यू आती है हमारी 180 डिग्री माइनस एंगल ए, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मेरा पूरा क्वेश्चन किसकी फॉर्म में आ जाएगा, ए की फॉर्म में, राइट। तो हम लिख देंगे बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मिला क्योंकि मुझे ये, अब मैं 2 से ना इसको डिवाइड कर रही हूं, तो जब 2 को डिवाइड करेंगे दोनों के अपॉन में जाएगा, तो यहां हो जाएगा 90 माइनस यहां हो जाएगा a अपॉन 2। नाउ साइन 90 माइनस थीटा अभी बताया था मैंने क्या होता है हमारा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा कितना है a अपॉन 2, यही हमारा क्या था राइट हैंड साइड, क्लियर है। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होगा वो आपको देखना है कि कुछ ना कुछ उसका यूज जरूर होगा, इसीलिए हमें ये गिवन है। इंटीरियर एंगल गिवन थे ट्राइंगल के, मीन्स एंगल सम प्रॉपर्टी यूज होनी थी यहाँ पे, इसीलिए ये चीज गिवन थी, ओके। अब आप पहचानोगे कैसे, कि इंटीरियर एंगल भी हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर ली, और बी प्लस सी से ए पे जाना था तो हमने ये यूज कर लिया, ओके। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में गिवन है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब जरा ध्यान देना इसका मतलब क्या है। देखो, अगर दो एंगल आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल गिवन होते हैं, ए प्लस बी अगर 90 डिग्री गिवन होता है, राइट, अगर एक की वैल्यू देखिए यहां पे 67 75 आप देख सकते हैं, एक की वैल्यू अगर 70 है तो दूसरे की क्या आएगी 20, एक की 75 डिग्री है तो दूसरे की 15 डिग्री,
यानी कि आप देख पा रहे हैं, अगर ये वाला एंगल बहुत बड़ा है तो ये एंगल बहुत छोटा आने वाला है, राइट। यहाँ पे जो दोनों एंगल दिए हुए हैं वो 60 से ज्यादा हैं, मतलब ये तो 70 के करीब और ये 70 से बहुत ज्यादा है, यानी कि अगर मैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कन्वर्ट कर दूं तो मेरी जो वैल्यू मिलेगी वो 0 डिग्री 45 डिग्री के बीच में ही मिलेगी। इवन आप देखेंगे 0 डिग्री और 25 डिग्री के बीच में आ रही है, बहुत ही छोटी वैल्यू आने वाली है ना। तो क्यों ना मैं इसको उसमें चेंज कर दूं। अब हम जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो हमारा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, एंड कॉस थीटा हमारा क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा। अब ध्यान देना, ऐसा कुछ तो नहीं गिवन ना कि इसको छेड़ना नहीं, इसमें गिवन है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वैल्यू हम यहां यूज करेंगे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री में। साइन थीटा क्या लिखा मैंने, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 67 डिग्री, प्लस कॉस थीटा क्या होता है हमारा साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यानी कि 75 डिग्री। नाउ कॉस 90 माइनस 67 इसे सॉल्व कर लेते हैं, 90 में से 67 गए कितना आएगा देखिए, 0 में 7 यानी कि 10 में 7 गए 3, यहां बचा हमारा एटमॉस्फेयर के 2, 23 डिग्री कॉस का 23 डिग्री, प्लस यहां आ गया कॉस का 90 में से 75 जाते 15 डिग्री आता है 75 डिग्री, बस आ गया आंसर खत्म। एंगल्स की वैल्यू आ गई ना 0 से 45 के बीच में, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में है ये, क्लियर है। तो क्वेश्चन सारे इजी थे 8.3 के, अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 8.4 का इंट्रोडक्शन, और 8 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसके एमसीक्यूज स्टार्ट करने वाली हूँ, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।